अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट की। अगर आप सऊदी अरब के अंदर डेटा एनालिस्ट की जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं डेटा एनालिस्ट, चाहे वो इंडिया हो, यूएई हो, या फिर सऊदी अरबिया हो, या फिर यूरोप कंट्रीज़ हो। तो ज़्यादातर आजकल के डिमांड में जो है बहुत ज़्यादा डेटा एनालिस्ट की जॉब है। तो यहाँ सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स जॉब सर्च कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जॉब हो जाए सऊदी अरब के अंदर, आप किसी भी सिटी में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं। डेटा एनालिस्ट की जॉब्स जो है ज़्यादातर जद्दा, ताइफ एंड इसके अलावा रियाद में, आबा में, ये ऐसी कुछ सिटीज़ हैं, मक्का में भी है, ये कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जो हैं जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल है। और एक और इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि जुबेल में भी अच्छी खासी डिमांड है डेटा एनालिस्ट की। तो सारा इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पे कितनी सैलरी आपको मिलेगी एंड इसमें आपको कितना यहाँ पे ओवरटाइम मिल जाता है और कितना पैकेज आपका रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे आप लोगों के लिए। तो मैं सारी डिटेल्स में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कैसे वीज़ा मिलेगा। तो फुल डिटेल इस वीडियो के अंदर होगी, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि घाटे का सौदा नहीं है, अच्छा वीडियो है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे इस जॉब के लिए, आपके पास में प्रोफेशनल सीवी का होना बहुत ज़रूरी है, कवर लेटर ले लीजिए, क्योंकि ये जो जॉब है ये प्रोफेशनल जॉब है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस जॉब के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपका सीवी प्रोफेशनल सीवी होगा या कवर लेटर प्रोफेशनल होगा, दोनों जो है बड़े इफ़ेक्टिव होंगे, तो शॉर्ट लिस्टेड होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 5 फोटोग्राफ ले लीजिए, 1 गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ले लीजिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए सारे के सारे, अगर डिग्री है डिग्री भी ले लीजिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैरी कर लीजिए आप, और एनओसी सर्टिफिकेट आप ज़रूर ले लीजिए अगर आप कहीं सऊदी अरब के अंदर हैं यहाँ पे और कंपनी स्विच करना चाहते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, तो आप एनओसी ज़रूर ले लीजिए कंपनी से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद में कतर से भी अप्लाई करेंगे या फिर बहराइन में होंगे वहाँ से भी अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए, तो उस कंपनी का आपके पास में एनओसी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिया से अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है एनओसी वगैरह की, आप बस ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए इन डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे एजुकेशन के बारे में। बैचलर डिग्री का होना आपके पास में ज़रूरी है, डेटा साइंस में हो, चाहे स्टैटिस्टिक में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इकोनॉमिक्स में हो, या फिर रेलेवेंट कोई भी डिग्री हो आपके पास में, डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन आपके पास में हो, या फिर कोई मास्टर डिग्री आपके पास में हो तो चल जाएगा। एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा ऑफर होने वाली है। चलिए अब आपको बता देता हूँ एसेंशियल स्किल्स फॉर डेटा एनालिस्ट, आपको कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से टूल्स के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डेटा को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपको टूल्स जो हैं आपको एसक्यूएल पे काम करना आना चाहिए, पाइथन पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड आप यहाँ पे जो है जॉब कर सकते हैं। आर आपको आनी चाहिए, एक्सेल आपको अच्छे से आना चाहिए, या अगर टैब्लू आता है आपको तो वेल एंड गुड बहुत ही बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। डेटा विजुअलाइजेशन एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड हाउ डेटा कैन ड्राइव डिसीजन मेकिंग, आप किस तरीके से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, कैसे किसी एक बिजनेस के लिए अपना एक डिसीजन बना सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में ज़बरदस्त ये काम आता है, तो आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। चलिए अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी कंपनीज जो है सऊदी अरब के अंदर आप लोगों को हायर कर रही है। एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ कंपनीज़ आपको बता देता हूँ, वैसे 1000 ऑफ कंपनीज़ जो है आप लोगों को हायर कर रही है यहाँ पे एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए डेटा साइंटिस्ट, जैसे मरसूल कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, लोलू मॉल और नोवोरो टेक्नोलॉजीज़ एक कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, ये भी आप लोगों को हायर कर रही है। सिग्ना ग्रुप वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आप लोगों को अच्छी खासी जॉब प्रोवाइड करती है एज ए डेटा एनालिस्ट, और भी इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनीज़ हो गई, जैसे नून ई कॉमर्स हो गई, अमेजोन हो गई, तो ये बहुत सारी जो कंपनीज़ है आपको हायर कर रही है।
इस जॉब के लिए आपको कौन सा रोल मिल सकता है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, या फिर मार्केटिंग एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, तो बहुत सारे रोल्स इस जॉब के अंदर अवेलेबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर आपको पता ही है कि नॉर्मली 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। बात कर लेता हूँ यहाँ पे सैलरी की। सैलरी एज एन एवरेज में राउंड फिगर में आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे देखा है, ऑब्जर्व किया है और लोगों से मिला हूँ, तो यहाँ पे एज एन एवरेज सैलरी आप लोगों की 6,000 रियाल से लेके 11,000 रियाल पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी ऑफर हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। ये जो सैलरी राउंड फिगर में मैंने आप लोगों को बताई है, जिन लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, ये उन लोगों के लिए बताई है मैंने। कंपनी आप लोगों को सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि इकामा और अकोमोडेशन एंड राउंड टिकट आपको प्रोवाइड कर देती है। जैसे आप 2 साल कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है, 2 साल में आपकी छुट्टी बनती है, तो ये आपको जाने का टिकट और आने का टिकट भी आपको देते हैं, और 3 मंथ्स का जो है वेकेशन देती है आप लोगों को। इसके अलावा फूड जो है आप लोगों का खुद का होता है, कंपनी आपको फूड अलाउंस प्रोवाइड कर देती है। कुछ ऐसे वेबसाइट्स बता देता हूँ अब यहाँ पे आप लोगों को, ताकि आप जॉब को अप्लाई कर सकें, जैसे कि bad.com हो गया, indeed.com हो गया, gulftalent.com, इसके अलावा linkedin.com और एक और वेबसाइट है जो कि पूरे सऊदी अरब में बहुत फेमस है, expatriate.com। ये 4-5 ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर पूरे सऊदी अरब के अंदर आपका कोई फ्रेंड रहता है या आपका कज़न रहता है यहाँ पे या फैमिली मेम्बर रहता है, तो उससे भी रेफरेंस ले लीजिए, क्योंकि रेफरेंस के थ्रू भी, मेल जोल के थ्रू भी बहुत ज़्यादा जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है, यानी कि जॉब मिल जाएगी आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ इसके अंदर, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पे ईमेल आईडी, फेसबुक लिंक एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम लिंक, ये तीनों मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके हमारे साथ में आप रابطہ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बड़ी मेहनत के साथ में अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही कहना है आप लोगों से कि या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टाटा टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।